ये मैं आपको एक बात, मगरिब का वक्त है, अल्लाह से दुआ करें कि मेरी ये बात कबूल हो जाए और हो रही है ऐसा लग रहा है। आने वाले दिन इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा तो आपके हालात बहुत तब्दील होंगे, क्योंकि आप इस मामलात को जो है कोई सिंध गवर्नमेंट नहीं देख रही, कोई वफाकी गवर्नमेंट नहीं देख रही, कोई बल्दियाती गवर्नमेंट नहीं देख रही, आप गरीबों के मसाइल के लिए डायरेक्ट फौज देख रही है। यूनाइटेड वर्कर्स की जानिब से बल्दिया शर्की के मुआवनत से ईद उल अज़हा पर बल्दियाती खिदमात और आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाने के इंतजामात पर तकरीब का इनेकाद करके चेयरमैन DMC ईस्ट मुईद अनवर, वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान और म्युनिसिपल कमिश्नर ईस्ट वसीम मुस्तफ़ा सुमरों की खिदमात को सराहने के साथ उन्हें अजरक टोपी पेश करके उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। इस मौके पर चेयरमैन DMC ईस्ट मुईद अनवर ने खिताब करते हुए कहा कि बल्दिया शर्की की मुआफनत और वर्कर्स की मेहनत से ईद उल अज़हा ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हुआ। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके मसाइल को फौरी बैठकर हल किया जाए। इनके मसाइल जो भी है, आज मैंने देखा वो चाइनीज कंपनी जब डांस हो रहा था और ये मूवियां बन रही थी तो उसने जल्दी जल्दी अपने लोगों को जैकेटें पहना दी कि जी पता चल जाए ये चाइनीज कंपनी के लोग हैं। अरे भाई, ये इस शहर के लोग हैं, ये किसी कंपनी के लोग नहीं है, ये हमारे लोग हैं। हम इनसे मोहब्बत करते हैं, आप इनको इज्जत देते हैं, तो ये काम करते थे तकलीफों के बावजूद। जिस तरीके से वो जैकेटें पहना रहे थे इनको, इनके दिल भी देखें उसी तरीके से, इनके अंदर झांक कर देखें, इनकी जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हल किए। हमेशा की तरह इस दफा भी नंबर वन पे रही है। डेलीगेशन का स्टाफ है, वो जिन भी मुश्किलात के सामने कर रहा होता है, जो भी परेशानियां होती है, उसके बावजूद वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने शहर के लिए, अपने आवाम के लिए वो खड़े रहते हैं और वो खिदमत अंजाम देते हैं।